क्या शिबाइनू बन चुका है आज का मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन? क्या गवर्नमेंट रेगुलेशन से परेशान है क्रिप्टो मार्केट? कॉइनबेस के सीईओ ने भी इथेरियम मर्ज को लेकर दी स्टेटमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे, जहां आपको मिलती है क्रिप्टो से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो पहले अगर खबर की बात करें, तो अगर क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस की बात करें, तो एक बार फिर से जो मार्केट है वो डाउन की तरफ चल रही है। बिटकॉइन आज 2% से डाउन गई, वहीं इथेरियम भी 2% से ज्यादा डाउन में जाती हुई दिखाई दी। लेकिन आप सबका फेवरेट कॉइन जो शिबा इनू है, वो आज का बन चुका है मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन। बिटकॉइन यानी कि बीटीसी जो है वो आज 2.43% से डाउन की तरफ जाता हुआ देखा गया, जबकि जो ईटीएच है यानी इथेरियम है वो भी 2.52% से नीचे गिरा। वहीं शिबा इनू जो है वो आज का मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन बना। सेल्सियस यानी कि सेल है, ये जानकर हैरानी होगी कि ये भी आज का टॉप गेनर बन चुका है। तो इसी के साथ जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2% से नीचे गई, लेकिन डॉलर 1.12 ट्रिलियन का मार्क उसने अपना खुद का बरकरार रखा है। इसके साथ ही अगर टॉप गेनर की बात करें तो वो सेल्सियस यानी कि सीईएल बन चुका है अपने 17.69% के साथ, यानी कि इसने ऊपर की ओर ट्रेड किया है। एंड टॉप लूजर की अगर बात करें तो वो बना है गाला टोकन, जो कि लगभग 9% से नीचे गिरा। हालांकि जो बिटकॉइन है उसने थोड़ा सा रिकवरी तो की है, खुद में थोड़ी सी रिकवर उसने अपने लॉसेस को किया है, ऊपर जाना उसने स्टार्ट किया है, लेकिन वो इतना भी रिकवर नहीं हो पाया है कि वो अपने सारे लॉस को कवर कर सके। तो अभी फिलहाल ये 2% से नीचे गिरा है। इसके साथ यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के बिटवीन में एंड लॉन्ग अवेटेड इथेरियम जो मर्ज है, जो जल्दी आने वाला है अगले ही मंथ में, तो इसी के साथ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनका जो कंसर्न है वो बढ़ता ही जा रहा है, इस बात से लेकर कि जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या रेगुलेशंस और क्रिप्टो के ऊपर लेके आने वाली है, जो कि इम्पैक्ट डाल सकती है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ इथेरियम के ऊपर एंड इसकी जो पोस्ट मर्ज होने वाला है प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म के ऊपर, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेके आई है और जो लेके आने का गवर्नमेंट का प्लान है वो भी इसके ऊपर डाल सकता है इम्पैक्ट, इस बात को लेकर टेक्नोलॉजिस्ट हैं काफी कंसर्न। वही कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने रिस्पॉन्ड किया है हाइपोथेटिकल सिनारियो में ट्विटर के ऊपर आज ही सुबह, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि जो इवेंट है रेगुलेटरी थ्रेट्स का, इसमें उसकी जो कंपनी है हो सकता है कि वो शट डाउन कर दे अपनी इथेरियम स्टेकिंग सर्विस को। इस बात को प्रिजर्व करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर एंड इसकी इंटीग्रिटी के ऊपर, एंड जैसे जो क्रिप्टो वर्ल्ड है थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हुआ है, वैसे ही इथेरियम मर्ज जो है वो भी नेक्स्ट मंथ आ ही रहा है, तो जो नंबर ऑफ इथेरियम नेम सर्विस यानी कि ईएनएस एड्रेसेस है उसने भी एक सर्ज क्रिएट किया, उसमें भी एक सर्जिंग देखने को मिली है, यानी कि 2 मिलियन की सर्जिंग उसमें देखने को मिली है क्रॉस करने के बाद 1.8 मिलियन के मार्क को 2 वीक पहले। एंड लगभग इसमें 5 साल लगे हैं, इनका कहना है, इन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि 5 साल लगे हैं इनको 1 मिलियन नेम्स तक पहुंचने में, एंड उसके बाद 3.5 मंथ्स लगे हैं 2 मिलियन नेम्स तक पहुंचने में, एंड इनका कहना है कि इन्होंने अभी ये शुरुआत ही की है। तो कंपनी जो है ईएनएस डोमेन के पीछे, उनका कहना है, उन्होंने डीक्रिप्ट को एक स्टेटमेंट में एक इंटरव्यू में बताया कि ये जो सर्च देखने को मिल रहा है रजिस्ट्रेशन में, ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ कम्युनिटी की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है इसका नतीजा है, इसका रिजल्ट है, जिसकी वजह से ये जो सर्जिंग है ये प्राइसेस जो है ये ऊपर जाते हुए देखे गए हैं। इसके साथ ही इथेरियम जो है आज फिर से लाइमलाइट में बना हुआ है अपने मर्ज को लेकर के। जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उनका कहना है कि जो कॉइनबेस है वो एक्सपीरियंस कर सकता है एक बिगर रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी को इसी के यानी कि इथेरियम स्टेकिंग सर्विस के साथ ही। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस जो है उसको एक बेनिफिट हो सकता है इथेरियम के लॉन्ग अवेटेड मर्ज से, ऐसा कहना है इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन का। एनालिस्ट केनेथ वर्थिंगटन का कहना है कि जो सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एक्सचेंज है, इसकी जो इथेरियम होल्डिंग्स है एंड इसकी जो स्टेकिंग सर्विस है इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो काफी ज्यादा लाभप्रद साबित हो सकती है, काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, फाइनेंशियली इनको मदद दे सकती है। तो इस पर जो जेपी मॉर्गन है उन्होंने एक नोट में ये लिखा है कि जो कॉइनबेस है वो इथेरियम से हालांकि बड़ा है, इसलिए हो सकता है कि ये लीड करे डायरेक्टली एक बिगर रेवेन्यू की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ, रेवेन्यू जो अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ ये इस मर्ज को ले जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया कि इनका मानना है कि जो कॉइनबेस है वो एक जो स्टेप है वो फॉरवर्ड की तरफ ले चुका है, आगे बढ़ चुका है इथेरियम स्टेकिंग को जो रेवेन्यूज है इसके उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, इसकी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए। इथेरियम का जो मूव है इथेरियम 2.0 वो
एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंप्लीट हो जाएगा सितंबर 15 और 16 को, यानी कि ये आ जाएगा। एंड ऐसी आशा की जा रही है कि ये नेटवर्क को और ज्यादा फास्टर बना देगा, और ज्यादा स्केलेबल बनाएगा एंड और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाएगा। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है इथेरियम मर्ज को लेकर के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इसके साथ ही दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ फिन स्ट्रीट पे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।